दोस्तों आज का जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट है मैकफ्लेक्नो का इसके पहले दो पार्ट्स और इसके आगे के पार्ट्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखिए तो अब हम आते हैं लाइन नंबर 93 से नाउ एम्प्रेस फेम हैड पब्लिश द दिनोन ऑफ शेडवेल्स क्रोनेशन थ्रू द टाउन तो वहाँ की जो रानी है उसने अपने फेम से सब जगह सब जगह फैला दी है न्यूज पब्लिश कर दिया है कि जो शेडवेल है उसका क्रोनेशन होने वाला है क्रोनेशन यानी राज्य अभिषेक होगा उसको अब राजा बना दिया जाएगा राउस्ड by रिपोर्ट ऑफ पेम द nations meet फ्रॉम near बन Hill एंड डिस्टेंस वाटलिंग स्ट्रीट और इसीलिए इस सब न्यूज़ को सुन के जो पूरा नेशन है वहाँ के जो लोग हैं सब लोग एक तरफ इकट्ठा एक हो गए कहाँ सब लोग एक जगह आ गए हैं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं बन हिल करके जो जगह है वहाँ से आ रहे हैं और जो वाटलिंग स्ट्रीट है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं नो पर्शियन कारपेट स्प्रेड इम्पीरियल वे बट स्कैटर्ड लिम्ब ऑफ मैंगल पोएट्स ले लेकिन अब ये जो लोग सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं इसका कोरोनेशन देखने के लिए यहाँ पे कोई पर्शियन कारपेट्स नहीं बिछाए हुए हैं यूजुअली होता है ना कि जब राजा को लाइक राज, like इतना फैंसी कुछ चीज़ हो रहा है तो वहाँ पे महंगे महंगे पर्शियन कारपेट्स होंगे लेकिन वो नहीं है यहाँ पे क्या फैला हुआ है जो खराब पोएट है उनकी लिम्स जो हैं उनके टुकड़े फैले हुए हैं वहाँ पे फ्रॉम डस्टी शॉप्स निगलेक्टेड ऑथर्स कम वैटिस् ऑफ पीस एंड रिलिक्स ऑफ द बम जो धूल लगी हुई जंग खा रही जो ऐसी दुकान है वहाँ से ऑथर्स आ रहे हैं वैसे ही ऑथर्स जिनको कोई देखता नहीं नहींगलेक्टेड ऑथर्स को वहाँ पे आ रहे हैं इस सबको देखने के लिए अब इसमें भी जो नोटिस करने वाली बात ये है कि वो कह रहे हैं कि हाँ जो इसका दूर दूर से लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से बन हिल से और वॉटलिंग स्ट्रीट से जबकि असल में है कि ये दोनों जगह बहुत पास पास है तो अगेन इट्स आ और हंसने वाली बात है और अगर ये लास्ट लाइन आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्टियर्स ऑफ पाइज एंड रिलेक्स ऑफ बम तो ऐसा होता है कि हम लोग जहाँ जेट यूज़ करते हैं फ्रेश होने के बाद में तो वहाँ ब्रिटेन में आप जानते हैं कि वो लोग पेपर यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं लेकिन अब अगर कभी उनका टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया है उनके पास नहीं है तो वो क्या करते थे कि जो पुरानी बुक्स है उसमें से पेपर निकाल के अपना बम साफ़ करेंगे तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे जो पोएट्स हैं जो ऐसी किताबें लिखते हैं जो इतनी गंदी होती है कि लोग उसके पन्ने फाड़ फाड़ के अपने बम साफ करते हैं तो वो उसकी बात कर रहे हैं फनी हाँ मच हे वुड शेरली ओगल but loads of ऑफ शेडवेल ऑलमोस्ट चोक द वे अब हेवुड और शर्ली और ओगल बे जैसे जो बहुत सारे पोएट्स और ऑथर्स हैं वो वहाँ पे हैं लेकिन शेडवेल जो है उसने इस पूरे रास्ते को ऑलमोस्ट चौक कर दिया कि उसकी जो घटिया पोएट्री है या उसकी जो घटिया राइटिंग है उसकी जो जगह है वो पूरी फुल हो चुकी है बिल्क स्टेशनर्स फ्राम ह्यूम टूट प्रिपेयर एंड हरिंग मैन वॉज कैप्टन ऑफ द गार्ड ये लोग तो बुरे थे ही लेकिन शेरविल जो है वो उनसे भी ज्यादा गंदा उनसे भी ज्यादा घटिया लिखता है और बिल्कुल यानी जैसे कि कोई बुक जब पब्लिश होती तो उसे बेचने के लिए दुकानों में लगाया जाता है लेकिन अगर वो बुक उतनी अच्छी नहीं हुई उतनी ज्यादा बिकी नहीं तो वो जो दुकान है जो स्टेशनरी है वो बस इन ही बुक से उस घटिया या ख़राब बुक से जो वो भर जाएगी वो कह रहे हैं कि शेडवेल की पोएट्री जो है वो कहीं बिकती भी नहीं है वो इतनी गंदी पोएम्स हैं और जो हरिंग मैन जिसका यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया है वो असल में एक पब्लिशर था जिसने कि शेडवेल और ड्राइडन दोनों की पोएम्स जो हैं या बुक्स उनको पब्लिश कराया था द हो प्रिंस इन मजेस्टी अपियर हाई ऑन थ्रोन ऑफ ऑफिस ओन लेबर्स रियर्ड एट हिज राइट हैंड आउट यंग असेसनस सेट रोम अदर होप एंड पिलर ऑफ द स्टेट तो अब ये जो प्रिंस है मै जिस्टी में ये आया एकदम अच्छे से आया और बैठा उसके जो राइट हैंड साइड पर है वो यंग असैसनस बैठा हुआ है और जो रोम की सारी होप्स है वो इसी से लगी हुई है अब अब यहाँ पर जिस कैरेक्टर की बात हुई जो कि उसके राइट हैंड साइड पर बैठा हुआ था प्रोनन्सिएशन इज राइट बट ए एस सी एन आई यू एस तो ये जो आदमी है ये वर्जिल का एक ड्रामा था एनियड उसका एक कैरेक्टर था तो इसको भी अपने पिता से वैसे ही राज्य मिला था रोमन रोम जो राज्य है वो मिला था जैसे कि शेडवेल को अपने पिता से मिला है या जो उसको जो था राज्य है जो रीम मिला है वो भी उसे वैसे ही मिला था तो वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो कहाँ इतनी बड़ी इतना बड़ा राज्य उसको रोम का राज्य मिला और यहाँ पे जो है शेडवेल वो स्टूपिडिटी को राज्य राज करेगा His thick fogs instead of glories, grace and lambent dullness ब्रोज around his ऑफ और उसकी जो ब्रोज है आई हैं है वो बहुत थिक है और उसकी जो चेहरे पे ग्लोरी और ग्रेस होनी चाहिए उसकी जगह पे डलनेस है उसकी पूरे चेहरे पे डलनेस फैली हुई है As Hannibal did to altars come, स्वन by his sire a mortal foe to Rome. अब Hannibal जो है वो एक जनरल था जो कि मिलिट्री में जनरल होते हैं वो वो वॉर के अगेंस्ट रोम में था और उसने अपने पिताजी से जो कि उसके पिताजी कमांडर थे उनसे कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है वो रोम के अगेंस्ट लड़ता रहेगा सो शेडवेल्स वोर नॉट शुड हिज वाव बी वेन दैट ही टिल डेथ ट्रू डलनेस मेंटेन तो उसी तरीके से जो शेडवेल है उसने भी कसम खाई कि

और फिर किंग बाय ऑफिस एंड प्रीस्ट बाय ट्रेड तो जैसे कि हमें पता है कि फ्लेक्नो जो असल में एक आ, प्रीस्ट था उसकी बात उन्होंने की कि है हाँ, ऑफिस कि, के लिए तो वो राजा है लेकिन उसका असली जो बिजनेस है वो प्रीस्ट का है पुजारे का है इन हिज इनस्टर हैंड इंस्टेड ऑफ बॉल ही प्लेस्ड अ माइटी मग ऑफ पोटेंट एंड ऑल और उसका जो हाथ है उसमें उसने बॉल की जगह क्या किया है पोटेंट एंड ऑल यानी एक तरीके का ऑल्कोहल हुआ उसके हाथ में एक ऑल्कोहल का भरा हुआ मग है Love's kingdom to his right he did convey at once his sceptre and his rule of sway. Love's kingdom जो है ये भी एक play था शेडवेल का उसको उन्होंने वापस reference दिया और कहा है कि Whose righteous lord the prince had practised young and from whose lawns recorded sike sprung. अब ये जो righteous prince यानी कि जो सही काम करने वाला जो prince है इसके बारे में वो बता रहे हैं हिज टेम्पल्स लास्ट विद पॉपी इज वर स्प्रेड दैट नॉट डिंग सीम टू कॉन्सेंट्रेट हिज हैड मतलब कि जो हमारे शेडवल थे उनको पॉपीज यानी ओ पी एम खाने का ओपीएम यूज़ करने का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि वो खाया करते थे तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये जो प्रिंस है ये ओ पी एम खा के हर जगह ऐसी पसरा हुआ है जस्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम इफ फेम नॉट लाई ऑन हिज लेफ्टेल्व रेवर आउल्स डिट फ्लाई अब ऐसा माना जाता है कि रोम में बारह वल्चर्स आए थे जब रोम बसने वाला था और उन्होंने बताया था उन बारह वल्चर्स ने कि कहाँ तुम्हें अपना देश फैलाना चाहिए बढ़ाना चाहिए बसाना चाहिए तो वैसे ही वो वल्चर थे ना अब इसके हाथ पे कौन आए उल्लू बारह उल्लू आए और इसके हाथ पे लेफ्ट हैंड पे बैठ गए सो रोमुलस संग बाय ब्रुक ऑफ रोमे फ्रॉम टिक्स वल्चर्स टुक और फिर वो उन्होंने जो वल्चर्स वाला पार्ट है वो वहाँ बताया हुआ है दैट मायरिंग थ्रू लाउड अक्लमेशन मेक एंड वोमेंस ऑफ इस फ्यूचर एम्पायर टेक अब जो लाव डेषन यानी जब हम किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं हम जोर जोर से तालियाँ बजाते हैं तालियाँ हो जाए स्वागत हो जाए तो इसको उसके जो लोग हैं उसकी जो प्रजा है वो उसे पसंद करती है और वो सब जोर जोर से तालियाँ बजा रहे हैं दायर दिन शुक द ऑनर्स ऑफ हिज हेड एंड फ्राम हिस्स ब्राउज डैम्प ऑफ ऑब्लीवियन शेड अब जो सर है उसने क्या जो आदमी है ये उसने अपना जो अब ये जो आदमी इसने जो सारा ऑनर है अपने सर पे ले लिया और उसने अपना सर हिलाया तो उसने जब अपना सर हिलाया तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये बंदा इतना फुल ऑफ ऑब्लिवियन ऑब्लिवियन यानी जिसको कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है जिसे कुछ फील नहीं होता जैसे हम बोलते हैं कि शराब के नशे में हमने इतना पी लिया इतना पी लिया कि हम ऑब्लिवियस हो गए तो इसका ये आदमी इतना ऑब्लिवियस है कि इसका जो पसीना है वो भी ऑब्लिवियन ही टपकता है पसीना हमारा कैसे पानी या नमक का जो मिश्रण है वो टपकता है वैसा नहीं इसके पसीने में ऑब्लिवियस ऑब्लिवियसनेस टपकती है Of the डलनेस लॉन्ग at length फ्रॉम इन दिस प्रोफेटिक मूड अब फिलहाल का मतलब है कि ये जो डलनेस है शेडवेल को अपने राजा फ्लैक्नो से मिलती है जो उसके पिता है उससे मिलती है और फिर ये जो राजा है ये अपनी प्रजा को बता रहा है कि हाँ ये अब एक बहुत अच्छी चीज हो रही है एट लंथ एट लेंथ बर्स्ट इन प्रोफेटिक मूड मतलब अब वो कुछ बताने वाला है कि अब वो कुछ नया बताएगा हमें तो अब वो नया क्या बताने वाला है वो बोलता है Heavens bless my son, from Ireland, कि जो हेवन है जो स्वर्ग है वो मेरे बेटे को आशीर्वाद दे कि वो आयरलैंड से राज्य करे टू फार बारबेडोज ऑन द वेस्टर्न मेन कि जो उधर बार्बेडोज की तरफ जो बहुत दूर वेस्टर्न मेन है वहां तक वो राज्य करे तो आप सोच रहे हैं कि इतना दूर राज्य कैसे करेगा इतना दूर मतलब बड़ी बात होगी लेकिन असल में जब आप देखेंगे तो उन दोनों के बीच में सिर्फ ओशन है वहां कोई इंसान नहीं है तो वहाँ पे वो राज्य करेगा भी तो क्या ही फर्क पड़ जाना है ऑफ इज डोमिनियन में नो एंड बी नोन एंड ग्रेटर दैन हिज फादर बी हिज थ्रोन मे नो एंड मतलब कि उसका कोई अंत नहीं हो उसके राज्य का कोई अंत नहीं हो और वो अपने पिता से भी बड़ा राजा बने ग्रेटर दैन हिज फादर थ्रोन Beyond love's kingdom, let him stretch this pen. He paused, and all the people cried, "Amen." और फिर उसने कहा कि जो प्यार किंगडम है इससे भी ज़्यादा उसका पेन चले उसको जो लिखना है वो वो लिखे और जब उसने लाइक पॉज हुआ जब वो रुका तो सारे लोग बोले एमिन एमिन हम तब बोलते हैं जब हमें हाँ, भगवान हम तो हम ऐसा करे वो देस स्टिल इन न्यू इम्पेंस न्यू इग्नोरेंस तो वो कह रहा है कि जो मेरा बेटा है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और जो नया नया इग्नोरेंस है वैसे ही वो इग्नोरेंस उसका बना रहे और उस और ज़्यादा वो यही इग्नोरेंस सीखे सक्सेस लेट अदर टीच लर्न दाउ फ्रॉम मी पैंगस विदाउट बर्थ एंड फ्रूटलेस इंडस्ट्री सक्सेस जो है उसे दूसरों को सीखने दो लेकिन तुम मुझसे सीखो कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं ऐसे ही फ्रूटलेस फ्रूटलेस यानी बिना किसी फ़ायदे का ऐसे ही इस इंडस्ट्री को चला रहा हूँ लेट वर्चू सो इन फाइव ईयर्स बी रिट यट नॉट वन थॉट अक्यूज़ माई टॉयल ऑफ विट कि पांच साल में वर्चुअसो वर्चुअसो भी जो है शेडवेल का एक प्ले था कि वो तो लिखा जाएगा लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक भी विट यानी बुद्धिमत्ता का ख्याल एक भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा लेट जेंटल जॉर्ज इन ट्रम्प ट्रेड द स्टेज मेक डॉर्मेंट बी ट्रे एंड लव इट रेच लेट कली कॉकवुड फोपलिंग चॉम द पिट एंड देर फॉली शो द राइटर्स विट अगेन ये जो सारे नाम हैं जो उसने यहाँ पे लिए हैं जैसे कि जो जॉर्ज है वो भी एक प्ले राइट था और जो लव इट कली कॉकवुड और फूपलिंग है ये सब जो है कैरेक्टर्स हैं उनके प्ले से सो so, उन सब का उन्होंने यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है येट स्टिल दाई फूल्स शेल स्टैंड इन दाई डिफेंस एंड जस्टिफाई देयर ऑथर्स वॉन्ट ऑफ सेंस कि अब वो कह रहा है कि इसके वो कह रहा है कि फिर भी जो फूल है वो उनके डिफेंस में खड़े रहेंगे ऑथर्स वॉन्ट वॉन्ट यहाँ पे है लैक कि उसको सेंस का कमी है Let them be all by thy own model made of dullness and लेट ko kya hai ek model को क्या है एक मॉडल बनने दो किसका मॉडल बनने दो और इनमें कोई डिजायर नहीं है इनमें कोई इच्छा नहीं है किसी हेल्प की That they to future ages may be known, not copies of drawn, but issues of thy own। तो इसीलिए जो आने वाली जनरेशन है वो उनको कैसे जानेंगी ऐसी जो लिखी हुई ड्रॉ की हुई कॉपीज वो वैसे नहीं जानेंगी वो जानेंगी की ये खुद ही अपने आप में एक

लेकिन जो फ्लैक्नो है वो उसे याद दिलाता है कि तुम लिख के कर भी क्या लोगे क्योंकि जब इसका जो पोएम है इसका जो राइटिंग है वो इतना विट लैकिंग इसमें कुछ भी सेंस भरी बात की नहीं है तो तुम लिख के क्या ही उखाड़ लोगे तुमने क्या ही कर लेना है? तो जब वो कुछ वर्थ वाइल कुछ काम का लिखने ही नहीं वाला तो फर्क ही क्या पड़ता है एंड वेन फॉल्स फ्लावर्स ऑफ thou wouldst cull, trust nature do not लेवर to be dull. अब ये जो पूरा स्टैंड है यहाँ पे जो है फ्लैक्नो जो है जो राजा अपने बेटी की तारीफें कर रहा है लेकिन तारीफें कैसे कर रहा है कि तुम बहुत डल हो तरीके से वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है वो कह रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है होने दो ट्रस्ट नेचर डो नॉट लेबर टू बी डल तुम सिर्फ अपने आप तुम बने रहो तुम जैसे हो तुम वैसे रहो और जो नेचर है वो तुम्हारा ध्यान रखेगी क्योंकि तुम असल में नेचर ने तुम्हें इतना डल बनाया है कि तुम्हें मेहनत करके डल होने की जरूरत नहीं है तुम वैसे ही डल हो बट राइट दाई बेस्ट एंड टॉप एंड इन ईच लाइन सर्व फॉर्मल्स ओरेटरी विल बी दाइन तुम तुम लिखो जो तुम लिख सकते हो वो लिखो और हर एक लाइन में जो है वो जो फॉर्मल ओरेटरी है वो तुम्हारी होगी सर फॉर्मल अटेंड्स द द एंड नॉर्थ डेडिकेशन अब जो सर फॉर्मल की बात कर रहे हैं ये असल में सर फॉर्मल ट्राइफल है जो कि शेडवेल का जो प्ले है द दर्चुअसो उसका एक कैरेक्टर है तो ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही अब सर चढ़ा हुआ नकचड़ा सा कैरेक्टर है और जो शेडवेल है उसको कहा जा रहा है कि तुम भी उसी की तरह हो and thus thy northern dedication fail nor let false friends seduce thy mind to fame by arroganting johnson's hostile name कह रहे कि तुम्हारे कोई जो दोस्त हो जो तुम्हें दूसरी तरीके से बताए कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तुम उनकी सुनना मत क्योंकि तुम उन सबसे ज्यादा बेहतर हो तुम किसी की भी गलत बातों में आना मत उन्हें तुम सीड्यूस मत करने देना लेट फादर फ्लैक नो फायर दाई माइंड विद प्रेस एंड अंकल ओगल बाय दाई एंड वी रेस अब यहाँ पे जो है जॉनसन की बेन जॉनसन की बात की गई है तो वो कह रहे हैं कि शेडवेल है तो जॉनसन का बहुत बड़ा फ़ैन लेकिन जॉनसन असल में बहुत ही एक अच्छा राइटर था वो बहुत सुपीरियर था और जो ड्राइडन है वो सोचते हैं कि वो मानते हैं कि जो शेडवेल है वो सिर्फ एक एरोगेंट इंसान है जो दोस्तों आज का